फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से कि आप मेरी हर तरीके से मदद कर रहे हैं जो आपसे संभव होती है, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो मेरी आप वीडियो देखे, हर तरीके से आप मेरी मदद कर रहे हैं। किस तरीके से मैं आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। और एक दीदी है, उनने मैंने आपको बताया था ना परसों की अपनी वीडियो में, हमारे यहाँ राशन नहीं था, सारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था। तो जो आप लोग पैसे दे रहे हैं वो तो हम इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि जो हमें बीमारी का इलाज कराना उसमें काम आ सके। जो भी आप देते हैं, चाहे वो आप 10 देते हैं, चाहे वो 100 देते हैं, चाहे वो 1000 देते हैं, चाहे आप 10,000 देते हैं, वो तो सीधे हमारे इलाज में काम आएंगे। वही हम सोच समझ के सोच रहे थे कि हम राशन कहाँ गए, क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, वही सब कुछ मैंने आपको शेयर किया हुआ था। तो जो हमारी व्यूज हैं, जो हमारी वीडियोज देखती हैं, उनका नाम, उनसे एड्रेस मांगा। और हाँ देखो, मेरा बच्चा ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो उन्होंने हमसे एड्रेस मांगा तो मैंने उनको एड्रेस दिया। उन्होंने काफ़ी बार मांगा तब जाके मैंने उनको एड्रेस दिया था। तो उन्होंने काफ़ी सारा राशन दिया हम लोगों को, तो जिससे कि, और ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, मैंने उनसे एड्रेस मांगा। और हाँ देखो, मेरा बच्चा ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो उन्होंने हमसे एड्रेस मांगा तो मैंने उनको एड्रेस दिया। उन्होंने काफ़ी बार मांगा तब जाके मैंने उनको एड्रेस दिया था। तो उन्होंने काफ़ी सारा राशन दिया हम लोगों को, तो जिससे कि, और ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उन दीदी ने ना अपना नाम लेने से मना किया है कि हमारा नाम मत लीजिएगा। तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, और पर मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि वो दीदी रहती कहाँ है। तो वो दीदी रहती है आंध्र प्रदेश में, और वो उनने ये बोला कि हम जो आपकी मदद कर रहे हैं, वो निस्वार्थ कर रहे हैं, तो हमारा नाम मत लीजिएगा। और उन्होंने मुझे बोला नहीं कि आप ऐसा कुछ बताइएगा, पर मैं आपको इसलिए और मैं ये सब इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी चिंता हो कि हमने राशन लिया कि नहीं लिया। तो अगर मैं कहीं से भी राशन लाती तो आपसे शेयर तो करती, तो शायद अब हमें राशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना ये राशन आया है वो मेरे महीने भर तो हो ही जाएगा, महीने के 2 महीने हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ अपने घर का राशन जो उन दीदी ने दिया है। सबसे पहले ये ना लेस आई है, और हमारा भैया भी खुश हुआ, और ये 3 पैकेट आए थे, एक हमारे बाबू ने खा लिया है, 3 पैकेट आए थे। और ये ना चाय पत्ती उनने दी है, बागवान। ये ना इस कार्टून में आया था, और आपको पता है कि उन दीदी ने मतलब एड्रेस तो हमसे ले लिया हमने उनको, और पता है आपको उन दीदी ने हमसे एड्रेस तो ले लिया और बोला कि अगर आपके यहाँ कोई अमेजोन वाली बास्केट होगी या कुछ भी होगा तो हम आपको वहाँ से ऑनलाइन करेंगे। पर शायद जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ हमें ऑनलाइन राशन मिल सके। तो उनने काफ़ी, तो पता है आप लोगों को, तो काफ़ी उन्होंने ढूंढने के बाद उनने एक नंबर निकाला और वो किसी दुकान का नंबर था। फिर उनने उस नंबर से कांटेक्ट किया और फिर उन भैया ने हमको राशन पहुंचाया, और उन दीदी ने हमसे कल एड्रेस लिया था और ये हमको शाम को मिला है, अभी 5 बजे मिला है। तो मैंने आपको लिस्ट तो बता दी है, और मैंने बताया ना कि हम लोग काली चाय पीते थे डेली, तो उन्हें ना ये दूध पाउडर भी दिया है जो कि नेस्ले का है। और आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको फिक्र होगी कि हमने राशन लिया कि नहीं लिया। और आप, मैंने बताया ना कि आप लोग हर तरीके से मेरी मदद कर रहे हैं, तो बस वही मैं आपसे
शेयर कर रही हूँ। और ये साबुन दी है डिटॉल की नहाने वाली। तो पता है आप लोगों को, मैंने उनको 3-4 ही सामान बोला था, पर उन्होंने दूध पाउडर भी अपने मन से दिया है। और इन्हें ना मैंने ये बिस्किट दी है, ये 4 पैकेट बिस्किट दी है उन्होंने। और उन्होंने ना इस कार्टून में दिया है सामान, जो वो आई थी ना, जो वो दीदी थी, दीदी को जिनने बताया था जो सामान लेकर आए थे भैया। और ये शुगर, और आप बताइएगा ये कौन सी वाली शुगर है, मुझे तो नहीं पता, मैंने पहली बार देखी इस पैकेट में शुगर, वरना हम लोग तो वैसी वाली शुगर लेकर आते थे। और ये भी हमने नहीं बोला था, ये बटर उनने अपने मन से ये अपनी लिस्ट में जोड़ा है, ये बटर है। और ये साबुन भी ना 3, और ये 2 पैकेट तेल उनने दिया है। तो ये हमारे 2-3 महीने के लिए तो राशन हो ही जाएगा, 2 पैकेट की तेल है। और बाबू हमारा परेशान कर रहा है। और ये ना बोरी है, ये 10 किलो की आटा वाली बोरी है, तो आटा भी खत्म हो रहा। और ये के तेल दिया है हमने, ये चावल दिया हमने, कार्टून में आया था। बाबू देखो कहाँ बैठ गया है, टुकनिया में बैठा है बाबू, उसको भी जगह नहीं मिली। और तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों की हमें ज़रूरत है। और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराना है, अगर आप हमें कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, जो भी हो छोटा बड़ा अमाउंट, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेटीएम गूगल अकाउंट नंबर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से मुझे हेल्प कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मदद वहाँ योगदान होगा, अगर आप मेरे प्यारे भाई बहनों जो भी थोड़ी बहुत भी मदद करना चाहते हैं। और आप लोग कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी प्यारी प्यारी बिस्किट भी देते हैं, कि अब मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन गई। और आपको पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आप लोगों की ही है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। और आप लोगों से मुझे एक चीज़ और डिस्कस करना है, वो मैं अपने आप तो मुझे बहुत असमंजस में कि वो आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कल यूट्यूबर दीदी का फ़ोन आया था, किसी मेरे हस्बैंड के मोबाइल में जो मैंने पेटीएम देकर रखा है ना, तो उसमें वो दीदी बोल रही थी मीशो होता है, तो उसमें भी काफ़ी आपको पैसों की मदद मिलेगी। तो उसमें शायद साड़ियाँ वगैरह पहननी पड़ती हैं, जो उधर से वो लोग देते हैं कपड़े देते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो उधर से भी आपकी काफ़ी पैसों की मदद होगी। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग पसंद करेंगे देखना तो मैं ज़रूर उनसे बोलूँगी, और नहीं तो फिर मैं अपनी यही वीडियोस बनाऊँगी। और वैसे तो मुझे समय नहीं रहेगा इतना, फिर अगर मुझे कुछ पैसों से मदद मिल जाएगी उधर से भी, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। पर आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि अब आप ही फैमिली हो तो आप लोग बताइएगा मुझे, नहीं तो आप, मैं अपनी वीडियोस तो ऐसे डालूंगी ही। तो बाबू देखो क्या कर रहे हैं, बाबू सबसे नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो भैया, नमस्ते कर लो, जय जय, अरे सॉरी बोल दो सबसे, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो ना भैया, कोई गलती हुई हो वीडियो में तो सॉरी। तो चलिए, मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना सामान आपसे शेयर किया। हाँ, अब
बाबू अब हमारा सोएगा क्योंकि मैं ना बहुत रात को वीडियोस बना रही हूँ, 10:30 करीब बजा है। और मैं आज ना मंदिर भी गई हुई थी, बताया ना आपको सैटरडे, तो आज मैं दिन में नहीं जा पाई थी, रात में गई थी। वहाँ की मैंने वीडियोस नहीं डाली क्योंकि मैं ना मोबाइल घर में भूल गई थी, तो इसलिए अब नेक्स्ट सैटरडे को जाऊँगी तब मैं ज़रूर ले जाऊँगी और आपसे वहाँ का मंदिर भी बताऊँगी आपको, वैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है। चलिए मैं अब यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, सभी को ढेर सारा प्यार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।